कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अशोकनगर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस दौरान अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रतिबंधित हैं। लेकिन जिले के ईसागढ़ नगर में कुछ दुकानदार शासन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद दुकानें खोलकर सामान बेच रहे हैं। तहसीलदार गजेंद्र सिंह लोधी ने ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की। नियमों के उल्लंघन करने पर तहसीलदार ने 10 दुकानों को सील किया। इधर पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के कर्मचारियों ने कोरोना कर्फ्यू में सड़कों पर बेवजह घूमने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। इस दौरान एक अलग ही नजारा भी देखने को मिला है। नगर के सिंधिया पार्क चुंगी नाके पर चालानी कार्रवाई के दौरान एक कार चालक का चालान काट दिया तो उसकी कार भी सड़क पर ही बंद हो गई, जिसके नायब तहसीलदार ने आलोक श्रीवास्तव और नगर परिषद के कर्मचारियों से कार धक्का देकर चालू करवाई।